नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। राखी सावंत की शादी को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी अब बढ़ती ही जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के बीच मामला अब काफी गंभीर होता नजर आ रहा है। राखी आए दिन मीडिया में अपने पति आदिल को लेकर नए नए खुलासे करती नजर आ रही हैं। आदिल भी राखी के आरोपों का बखूबी पलटवार करते दिख रही हैं। पिछले दिनों राखी सावंत ये कहते नजर आए कि आदिल ने उन्हें किसी लड़की के लिए छोड़ दिया। इसके लिए राखी थाने तक पहुंच गई, आदिल को हिरासत में भी लिया गया और अब यहाँ पर जो एक और बड़ा खुलासा हुआ है वो यहाँ पर राखी सावंत के भाई राकेश सावंत ने किया है। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए राखी के भाई राकेश ने कहा, जिस दिन राखी की मां जया भेड़ा का निधन हुआ था उस दिन आदिल ने उनकी बहन के साथ मारपीट की थी। आपको बता दें कि इसके सबूत भी मीडिया के सामने राखी के भाई ने पेश किए हैं। उन्होंने कई फोटोज दिखाई जिसमें राखी के चेहरे पर गंभीर चोटें लगी हुई हैं। वहीं राखी की अगर बात करें तो आपको बता दें कि आदिल को हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटों बाद राखी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूछताछ चल रही है, उसका फोन अभी भी पुलिस के पास है। आदिल लगातार मुझसे पैचअप करने की बात कर रहा है लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार अब राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की शादी को लेकर कौन सा बड़ा खुलासा होता है। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।